Hello viewers, welcome to my channel Angel Gabriel Tarots. Today I have made this video for Shehnaaz Gill. Shehnaaz Gill एक बहुत ही जानी मानी एक पर्सनैलिटी है फिल्म इंडस्ट्री में, और किसी ने मुझसे उनके मैरिज स्टेटस के बारे में पूछा हुआ है. शायद वो ये भी जानना चाहते हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला ही तो उनके स्पाउस नहीं है. मैं ये भी कार्ड्स के थ्रू जानना चाहूँगी. तो मैं ये प्रश्न अपने कार्ड से सामने रख रही हूँ कि शहनाज गिल जो कि एक फीमेल एक्टर हैं फिल्म इंडस्ट्री में, उनका क्या मैरिज स्टेटस है, कब तक उनकी शादी होगी और उनका होने वाला हस्बैंड किस तरह का व्यक्ति होगा. ये मैं सब अपने कार्ड से थ्रू जानना चाहूँगी. मेरे आसपास जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज हैं प्लीज़ मेरी हेल्प करें. 27 जनवरी 1993 उनका जन्म हुआ है शहनाज गिल का. पंजाब में पंजाबी फैमिली को बिलोंग करती हैं वो. उनकी माँ का नाम परमिंदर कौर है. और उनकी शादी किस तरह के व्यक्ति से होगी, जल्दी ही शादी होगी क्या, ये सब मैं अपने कार्ड्स के थ्रू जानना चाहूँगी. मेरे आसपास जो कोई भी एंजल प्लीज़ मुझे बताएं उनके मैरिज स्टेटस के बारे में. व्यूअर्स जानना चाहते हैं शहनाज गिल का जन्म 27 जनवरी 1983 में बुधवार को हुआ था, वेडनेसडे को हुआ था, और न्यूज़ में भी उनके कुछ ना कुछ आता ही रहता है उनके बारे में. इनकी शादी अभी होना तो मुश्किल है. और यहाँ पे कार्ड्स बर्निंग टावर का और ये बताता है कि वो अभी बहुत कंफ्यूज हैं इस मैरिज को लेकर के, अपनी मैरिज को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन उनको और बना रहेगा. थोड़ा सा कठिनाई भरा उनके लिए, 2-3 साल शादी के बाद 2-3 साल उनके लिए बहुत कठिन जाएगा. स्ट्रगलिंग वो हैं ही हैं, शी इज़ अ वेरी स्ट्रगलिंग लेडी. तो उनका शुरू से जीवन बहुत कठिन रहा है, लेकिन शादी के बाद कुछ सालों बाद जो है वो इम्प्रूवमेंट दिखेगा. लेकिन शुरुआत में, शादी की स्टार्टिंग में थोड़ा सा गड़बड़ है इनका. इनकी मैरिज लाइफ थोड़ी सी गड़बड़ है. ये अपने आप को बहुत ही बंधी से महसूस करेंगी. शादी होने के बाद इनको लगेगा जैसे कि ये बंध गई हैं बहुत ज़्यादा. तो इस तरह का इनका यहाँ पर दिखा रहा है कि थोड़ा सा 2-3 साल थोड़ा सा मुश्किल भरा रहेगा इनके लिए. अदरवाइज़ बाद में एंजल्स की तरफ से यहाँ पे एक ब्लेसिंग्स दिखा रहा है कि एंजल्स की तरफ से इनके ऊपर ब्लेसिंग्स रहेगी. और इनका जो जब ये इतना झेल लेंगी उसके बाद ही इनको जो है एक ब्लेसिंग्स, ईश्वरीय कृपा इनके ऊपर रहे, मतलब हेल्प मिलेगी इनको, ऊपर से इम्प्रूवमेंट दिखेगा इनकी शादी में. और इनका जो हस्बैंड है, अगर मैं हस्बैंड की बात करूँ तो अभी ये फ़िलहाल जो है वो इनका जो हस्बैंड होगा वो बहुत गुस्सैला होगा, मतलब गुस्सैले नेचर का होगा. तो इस चीज़ का उनको ख्याल रखना चाहिए. और वो खुद भी इस चीज़ को जानती हैं. इंट्यूशन उनकी बहुत अच्छी है कि उनका जो स्पाउस होगा, पता नहीं, मुझे नहीं मालूम, ये इंट्यूशन वाला कार्ड आया हुआ, या तो वो चीज़ों को जानती होंगी अभी कि अभी मैं शादी कर लूँगी तो हो सकता है करियर में दिक्कत आए उनके, इस तरीके से वो सोच रही होंगी. और अभी जल्दी शादी वो करने वाली नहीं है. इनकी इंट्यूशन जो है वो अंदरूनी, जो इंटरनल जो इनकी जो अंदर से हो गया था ना, आवाज़ आती है कि अंदर की इंट्यूशन कहती है कि नहीं नहीं अभी मत करो, इस तरह की दिक्कतें आ जाएंगी या सोसाइटी में जो कुछ भी वो देखती होंगी, तो उन सब चीज़ों को देखभाल के तब वो अपनी शादी को करेंगी. अदरवाइज़ अभी तो ये ड्रीम कार्ड है, मतलब कुछ भी काम ना बनना, केवल सपने देखते रह जाना, और शादी वादी तो नहीं होगी अभी इनकी. क्योंकि ऐसा क्यों है ये भी मैं जानना चाहूँगी, इसके आगे कार्ड्स में देखना चाहूँगी इस तरह का क्यों है. शायद उन्होंने अपना बॉयफ्रेंड शायद बना रखा होगा, इस वजह से ऐसा है. अब मैं कार्ड्स के थ्रू जान लेती हूँ कि सिद्धार्थ शुक्ला को उन्होंने अपना बॉयफ्रेंड, क्या वो प्लान कर रही है शादी करने के लिए, क्या ऐसी कोई प्लानिंग है उनकी शहनाज गिल की कि वो सिद्धार्थ शुक्ला के साथ मैरिज करें. क्योंकि कार्ड्स में भी वो उनके सिद्धार्थ के जो वाइफ, मैंने पिटिशन निकाला था उसमें भी दिखा रहा था कि उनकी वाइफ बहुत स्ट्रगलिंग रहेंगी और शुरुआत के शादी के जो समय है वो कठिन जाएगा, थोड़ा स्ट्रगलिंग होगा दोनों के लिए, खासतौर से उनकी वाइफ के लिए. तो क्या ये वही हैं शहनाज गिल, उनकी वाइफ हैं सिद्धार्थ शुक्ला की? मैंने प्रिडिक्शंस निकाली थी. सिद्धार्थ शुक्ला एक बहुत ही अच्छे एक एक्टर हैं, और किसी ने मुझसे पूछा हुआ था कि उनकी शादी है किस तरह की लेडी से होगी, तो मैंने प्रिडिक्शन उस पर निकाला था, आप उसको देख सकते हैं. उसमें भी बर्निंग टावर ही निकल के आया हुआ था कि इनकी जो वाइफ होगी वो बहुत ही
स्ट्रगलिंग होगी और बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग होगी, स्ट्रगल करके बहुत मेहनत करके आए होंगे दोनों जने। यहाँ पे कार्ड जो आए हैं वो पॉजिटिव आए हैं, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे इनकी वाइफ बन सकती हैं वो भविष्य में। और जैसे कि मैंने बोला था कि दोनों की ही जो ज़िंदगी है, खासतौर से उनकी वाइफ की, सिद्धार्थ शुक्ला की वाइफ जो हैं वो बहुत ही स्ट्रगलिंग रहेंगी और कई बार इंसल्ट भी झेल चुकी होंगी, तो बहुत अपनी फील्ड में बहुत नॉलेज रखती होंगी। तो हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है कि शहनाज गिल हों, क्योंकि शहनाज गिल एक सिंगर भी हैं और एक फीमेल एक्टर भी हैं और स्ट्रगलिंग भरा उनकी ज़िंदगी भी दिखाता है उस कार्ड्स के थ्रू, पता चल रहा है कि उनकी, लेकिन उनकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, वो बहुत समझदार लेडी हैं, सब कुछ देखभाल के तब वो मैरिज के लिए थोड़ा सा फाइनल अपने आप को, अपने थॉट्स को बैठाल पाएंगी, अदरवाइज़ वो अभी बहुत संभल के इस वक्त चल रही हैं। अभी उनका कोई बहुत फाइनल एकदम से नहीं है कि जो है वो एकदम से हाँ कह देंगी कि हाँ हाँ ठीक है चलो कर लेते हैं शादी, इस तरह का यहाँ कार्ड्स में नहीं दिखा रहा है। अदरवाइज़ यहाँ पॉसिबिलिटीज़ हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला की इनके साथ मैरिज हो सकती, क्योंकि पॉजिटिव कार्ड आया हुआ है। और यहाँ पे ये कार्ड ये भी बताता है कि सिद्धार्थ जो है चीज़ों को बहुत ही जस्टिस के साथ जो है वो देखते हैं, मतलब उनको जस्टिस बहुत पसंद है और वो खुद भी बहुत अपने फील्ड में नॉलेज रखते हैं और बहुत ही समझदार इंसान है। और इस वक्त यहाँ पे दिखा रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली इनकी फैमिली हो सकती है, इनकी दोनों फैमिली मेम्बर्स जो हैं, इनके मदर फादर दोनों लोग तैयार हो सकते हैं। इट विल बी अ लव एंड प्लस अरेंज मैरिज, इस तरह के यहाँ पॉसिबिलिटीज दिखा रहा है। और ये देखिए एक फीमेल का यहाँ पे कार्ड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इन दोनों को, कार्ड्स को मैं रिलेट करूँ तो ये एक बहुत ही यंग लेडी का कार्ड आया हुआ है यहाँ पे, तो रेड ड्रेस जिसने पहन रखी है। इनकी शादी सिद्धार्थ की मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि इन्हीं से हो जाए आगे भविष्य में। थोड़ा सा हो सकता है कि ये शहनाज गिल जो हैं वो थोड़ा सा आनाकानी करें, थोड़ा सा मतलब हो सकता है कि ना ना करते करते हाँ हाँ हो जाए आखिरी में, इस तरह का यहाँ पे पॉसिबिलिटीज दिखा रही है। तो बात एकदम पक्की है कि ना ना करते करते हाँ हाँ वो पे आ ही जाएंगी। तो अब मुझे ही नहीं मालूम कि कौन जने बीच में कौन जना जो है एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ ठीक है हम लोग जो है आपस से मैनेज कर लेंगे, फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं या वो दोनों, तो खैर पहले तैयार धीमे धीमे होंगे। लेकिन शहनाज गिल बहुत ही इंट्यूशन उनकी बहुत अच्छी है, बहुत ही समझदारी से चलने वाली हैं, लेकिन अभी वो थोड़ा सा कंफ्यूज हैं थोड़ी सी, हो सकता है आगे जाके ठीक हो जाए और शुरुआत में, लेकिन स्ट्रगलिंग है उनके लिए, बहुत स्ट्रगलिंग है शहनाज गिल के लिए, बहुत थोड़ा सा स्ट्रगलिंग है क्योंकि वहाँ पे सिद्धार्थ शुक्ला का भी जो है गुस्सा बहुत मतलब ज़्यादा है और झगड़े झंझट में भी वो ना ही पढ़ना ज़्यादा अच्छा है। एक तो होता है ना कि गलत चीज़ देखी तो या गलत कुछ हो गया तो एकदम से जो है वो गुस्सा होने लगना, इस तरह की चीज़ यहाँ पे दिखा रहा है। अदरवाइज़ वो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, अपने फैमिली को भी देखना चाहेंगे, बाहर टूर पे भी जाना चाहेंगे, इस तरह के कार्ड्स शहनाज गिल की कार्ड्स में बता रहा है कि उस तरह का स्पाउस उनको मिलेगा। तो हो सकता है कि ये क्वालिटीज़ उस सिद्धार्थ शुक्ला में पिछले प्रेडिक्शंस में दिखा रहा था कि वो गुस्सैले भी हैं और करियर के साथ साथ वो प्रमोट भी करना चाहेंगे और वर्ल्ड में जाकर के, तो इस तरह का यहाँ पे कार्ड्स दिखा रहा था आगे फ्यूचर के लिए अगर प्लान करते हैं। तो यहाँ पे ये बताता है कि ये सिद्धार्थ शुक्ला जो है वो अकेले काम करने वाले हैं, तो इनका जो हस्बैंड होगा वो बहुत ही इंडिविजुअल होगा, ये नहीं कि किसी को भी जो है संग में टीम बना के काम कर, ऐसा कुछ नहीं है। वो इनका जो स्पाउस होगा शहनाज गिल का, वो बहुत ही इंडिविजुअल होगा और इसको पब्लिक से बहुत प्यार मिलेगा, इसको जो है इनके हस्बैंड को बहुत प्यार मिलेगा। तो यहाँ कार्ड थामी भर रहे हैं कि मोस्ट प्रोबेबली यहाँ ये सिद्धार्थ शुक्ला हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है ऐसी। तो आई थिंक कि आपको आंसर प्रॉपर मिल गया होगा, यहाँ पे कार्ड्स हामी तो भर रहे हैं। मैं तो यहाँ बिल्कुल कहूँगी कि दोनों हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं आगे भविष्य में, कार्ड्स यहाँ पे 100% दिखा रहे हैं कि इनकी वाइफ शहनाज गिल हो सकती हैं और ये खुद भी जो है ये चाहेंगे कि ये मैं इन्हीं से मैरिज करूँ और शहनाज गिल वही है ना कि ना ना करते करते शायद वो हाँ पे उतर ही आए। तो आई थिंक कि आपको प्रॉपर आंसर मिल गया होगा। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।